हेलो एवरीवन। तो बच्चों, जो आज हम पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इसके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के गुण और सीमाएं। हमने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इसके बारे में पढ़ लिया, आज हम इसके गुण एवं सीमाएं पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है मेरिट्स, गुण की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के गुणों का वर्णन इस प्रकार से है, जिस तरह से पहला क्या है पॉइंट है, मैं पॉइंट पॉइंट करके आपको समझाती हूँ। पहला है इसका गुण है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करती है। और इसका गुण यह है कि, या इसका लाभ यह हुआ कि संपूर्ण देश का जो शैक्षिक ढांचा है एक समान हो गया है, और इस प्रणाली के लागू होने से राष्ट्रीय स्तर पर 10+2, 10+3 व्यवस्था लागू हो गई है। सेकंड है कम से कम अधिगम का स्तर, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। इसमें क्या है, इससे जो ये जब से नई शिक्षा प्रणाली के अधीन इस बात की व्यवस्था भी की गई है जो शिक्षा के हर स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर अधिगम लर्निंग का निम्न स्तर निश्चित किया जाए, अर्थात किसी भी कक्षा में पढ़ रहा जो छात्र है उसके जो मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ्यक्रम की रचना की जाए, जिससे यह निश्चित किया जाता है कि छात्र ने पाठ्यक्रम का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और यह निश्चित कर लिया है कि शिक्षा उसने प्राप्त कर ली है। तीसरा, पूर्णतः मानव केंद्रित, कंप्लीटली मैन सेंटर्ड। ये नई शिक्षा नीति का गुण यह भी है कि इसका नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मानव समाज का पूर्ण विकास करना है, और जो इस नीति के लिए दृढ़ संकल्प है कि मनुष्य का उच्च मूल्य के साथ विकास भी किया जाए। अब जो थर्ड आता है आधारभूत मूल्य पर आधारित, बेस्ड ऑन बेसिक वैल्यूज। इसमें क्या होता है कि जो नई शिक्षा नीति है पूर्णतः मौलिक व अनिवार्य मूल्य पर यह आधारित होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है स्त्री विकास, वुमेन डेवलपमेंट। यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात की व्यवस्था करती है कि समाज में जो स्त्रियों की स्थिति में सुधार करके उनके विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाए, और स्त्रियों की जो शिक्षा है उसके अवसर को पूर्णतः समानता दी जाए, साथ ही उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए भी विशेष प्रकार की सुविधा प्रदान की जाए। और अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, आता है शिक्षा का स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का स्तर कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात की व्यवस्था करती है कि जो शिक्षा को एजुकेशन को प्रभावशाली बनाए रखने के लिए उसका जो स्तर होता है वह निर्धारित किया जाए, और यह भी आवश्यक होता है कि मूल्यांकन या परीक्षाओं में सुधार किया जाए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह आता है डिग्रियों को अलग करना, डीलिंकिंग द डिग्रीज। यहाँ पे क्या होता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अन्य यही विशेषता है कि जिस व्यक्ति के पास डिग्री है, इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि उसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं तो वह ज्ञानी है, इसका अर्थ यह नहीं है कि शिक्षित या एवं वह ज्ञानी है। डिग्री तथा डिप्लोमा प्राप्त करने से शिक्षा प्राप्त का प्रथम चरण नहीं होता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है समानता आधारित शिक्षा, इक्वलिटी बेस्ड एजुकेशन। यहाँ पे इसका जो गुण है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति संविधान में दिए गए जो प्रावधानों हैं उनके प्रति दृढ़ संकल्प है, और इस नीति में इस बात की भी अभिव्यक्ति की गई है कि जो जाति है, धर्म है, नस्ल है, लिंग है, या किसी अन्य भेदभाव के बिना सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो इस नीति में स्तर पर शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था भी करती है जिससे समाज में समानता लाकर सभी लोगों के अधिकारों की भी रक्षा की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यवसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन। जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यवसायिक शिक्षा पर भी अधिक बल दिया जाता है, इसका यह गुण है युवा वर्ग को नव राष्ट्र के निर्माण में व्यापक स्तर पर
सम्मिलित किया जाए जिससे देश मजबूत आर्थिक शक्ति, समाजवादी, आत्मनिर्भर तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राप्त कर सके। उसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह आता है स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इस जो नीति का मुख्य उद्देश्य है कि देश के लोगों के लिए शिक्षा के लिए रोजगार का प्रबंध करना है। यहाँ पे जो शैक्षिक ढांचा है इस प्रकार का भी होना चाहिए कि बच्चों को इस योग्य बना दे कि उन्हें भविष्य में व्यवसाय संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े। जब वो स्कूल छोड़ के जाता है तो उसे किसी बेरोजगारी का सामना न करना पड़े, उन्हें भविष्य में व्यवसाय संबंधी समस्या को दूर करना चाहिए। अब आता है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे जो नीति विकेंद्रीकरण में विश्वास रखती है और जो यह नीति है इस बात की भी व्याख्या करती है कि जो शैक्षिक ढांचे का प्रबंध किसी एक के अधीन नहीं होना चाहिए बल्कि विभिन्न संस्थाओं को उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। जैसे नीति केंद्र है, राज्य जिला है, स्थानीय स्तर के साथ साथ वैकल्पिक संस्थाओं को भी विद्यालय प्रबंध संभालने की व्यवस्था करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अध्यापक तथा प्रशिक्षण, टीचर एंड ट्रेनिंग। इस नीति इस बात पर भी बल देती है कि शिक्षकों की जो कार्य प्रणाली को बढ़िया बनाया जाए और इसको ध्यान में रखते हुए जरूरत है कि जो उन्हीं शिक्षकों की नियुक्ति की जाए जो शिक्षा प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य बनाकर इस व्यवसाय को अपनाते हैं। उसका यही कारण है कि वह उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो शिक्षा की उसका यह व्यवसाय को अपनाते हैं। नीति में इस बात की भी व्यवस्था की गई है जो अध्यापक होता है उचित वेतन प्राप्त करना होना चाहिए जिससे उनका सामाजिक स्तर ऊंचा बना रहे और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए डाइट एवं माध्यमिक प्रशिक्षण महाविद्यालय की व्यवस्था करने की बात भी की गई है। नेक्स्ट आता है नवोदय स्कूल। तो इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने माध्यमिक शिक्षा का तीव्रता से प्रयास किए जाने की बात की है और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में नवोदय जो विद्यालय है खोले जाने की व्यवस्था भी की गई है और इन स्कूलों में जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाने के लिए बल भी दिया गया और साथ ही इन स्कूलों के बच्चों को भारत दर्शन के उद्देश्यों से विभिन्न स्कूलों में स्थानांतरित करके शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था भी की गई और ताकि जिससे राष्ट्रीय एकता को मजबूत आधार प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि इस नीति की व्यवस्था ये नीति की व्यवस्था भी करती है कि उच्च शिक्षा में औपचारिक शिक्षा के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा जैसे दूरवर्ती शिक्षा, स्व अध्ययन, पत्र व्यवहार कोर्स, सायंकालीन कक्षाएं, मुक्त विश्वविद्यालय, विशेष शिक्षण संस्थाओं को विकसित व मजबूत किया जाए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है अब आता है सीमाएं, लिमिटेशंस, बाधाएं। क्या इसमें क्या आता है? सबसे पहले है कि निरीक्षण का न होना, नो सुपरविजन। इसमें कुछ गुण के साथ साथ सीमाएं भी है तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निरीक्षण एवं देखभाल के बारे में कोई भी विशेष व्यवस्था नहीं की गई है और केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की इसमें क्या भूमिका होगी इसके बारे में कुछ विशेष नहीं कहा गया है और वर्तमान समय में इसकी अधिक आवश्यकता थी क्योंकि इससे यह निश्चित होता है कि जो शिक्षक जो अध्यापक होता है शिक्षा प्रदान करे और बच्चे शिक्षा ग्रहण करे। नेक्स्ट आता है बेसिक शिक्षा के लिए कोई स्थान नहीं, नो प्लेस फॉर बेसिक एजुकेशन। इसकी ये सीमाएं भी है, ये बाधाएं भी है कि शिक्षा नीति में बेसिक शिक्षा के बारे में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संघर्ष में इसकी विशेष भूमिका थी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है प्रोस विद्यालय संकल्प को अनदेखा करना, नेगलेक्टिंग द नेबरहुड स्कूल कॉन्सेप्ट।
इसका मतलब ये हुआ कि नई शिक्षा नीति ने पड़ोस विद्यालय संकल्प को पूर्णतः नजरअंदाज कर दिया है, और जिसे किसी कोठारी आयोग ने पूर्ण वकालत की थी वही वहां यहाँ वर्णन है कि कोठारी कमीशन ने इस बात पर भी बल दिया है कि गरीब और अमीर के अंतर को खत्म करने के लिए ऐसे स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए, परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस पर कोई भी चर्चा नहीं की है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है अधिकारियों की अधिक संख्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अथॉरिटीज। इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्य शिक्षा परामर्श बोर्ड, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं तथा जिला शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। इतने सारे विभागों का कोई भी प्रभावित उद्देश्य नहीं था, क्योंकि जिससे पहले भी शिक्षा विभाग में अधिकारियों की संख्या काफी अधिक थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि समय का पाबंद नहीं, नो टाइम बाउंड। यह काफी आश्चर्यजनक है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिन उद्देश्यों की प्राप्ति की बात कही गई है उसमें कोई समय का कोई भी पाबंद नहीं किया गया है, समयबद्ध नहीं है। शिक्षा में काफी सुधार की आवश्यकता थी, परंतु इन सुधारों को कब तक किया जाएगा इसके बारे में कुछ भी वर्णन नहीं किया गया है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि उपयुक्त विवरण के आधार पर यही कहा जा सकता है जितना भी कि यद्यपि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ कमियां भी पाई गई है, परंतु जो इन कमियों के आधार पर इसके गुणों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी नीति थी जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को अपनाए जाने पर बल दिया गया, और इस नीति में पहली बार अधिगम स्तर निश्चित किया गया, शैक्षिक ढांचे का विकेंद्रीकरण किए जाने की बात की गई, व्यवसायीकरण, व्यवसायिक शिक्षा एवं स्वरोजगार की व्यवस्था की गई, समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा के बारे में कहा गया, डिग्री तथा डिप्लोमा को ज्ञान का आधार न मानकर इसे अस्वीकृत कर छात्र के अनुभव और व्यवसायिक ज्ञान को प्राथमिकता की गई, शिक्षा को संपूर्ण शिक्षा का केंद्र बिंदु माना गया, और साथ ही माध्यमिक स्तर पर नवोदय विद्यालय खोलकर शिक्षा के प्रसार के साथ साथ राष्ट्रीय सद्भावना स्थापित करने के सफल प्रयत्न भी किए गए। इसीलिए ये लास्ट पॉइंट आता है अध्यापन तथा उपकरण, टीचिंग एंड इक्विपमेंट। यहाँ आता है कि जो नीति में इस बात की ओर जोर दिया गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बलशाली बनाया जाए ताकि शोध एवं अनुसंधानों को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग बनाया जाए, परंतु पूरे देश में शिक्षण तथा उपकरण की पूरी तरह कमी की गई, इस बारे में इस नीति में कुछ भी वर्णन नहीं है। तो ये हम पढ़ रहे थे इसका मेरिट्स एंड लिमिटेशन, जो खत्म हो गया है। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992। तो इसको कल पढ़ते हैं। थैंक यू।